21 तोपों की सलामी दाएं दाएं। आप लोगों को भी हो रही है क्या आंखों में चिलचिलाहट से सीढ़ियां चलते हुए? अरे 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 अरे, हाथियों की बड़ी बड़ी बड़े 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 मूर्तियां नजर आई। ये साजन भाई है यार, इनका लुक देखो कितना प्यारा है। सर कह रहे हैं कि एक बार मोदी जी यहाँ चढ़ गए तो पक्का ये बना देंगे। कुछ ना कुछ जरूर कर देंगे। MMJ Vibes चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने मोबाइल पे ये वाला बटन दबाएं और हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल पे क्लिक करें। मुंबई ट्रिप के तीसरे वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। मैंने पकड़ लिया फेरी और मैं सीधा जा रहा हूँ गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव देखने के लिए। भाई साहब, समुद्र का नज़ारा बहुत ही ज़बरदस्त है, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये जो आप देख रहे हो ये है इंडियन नेवी का बेस और इसका नाम है मिडिल ग्राउंड कोस्टल बैटरी, जो कि आज 26 जनवरी है। तो यहाँ पर दी जा रही है 21 तोपों की सलामी दाएं दाएं। और यार ये जो शिप है ये है तेल निकालने वाली शिप है शायद से। हर कहीं पे एक शिप से ही शिप्स दिख रहे हैं मुझे। मैं दिखाता हूँ आपको एक बढ़िया सा नज़ारा। तो अभी आपने देखा ये बढ़िया कलाकारी भाई लोगों के द्वारा। तो गाइस, अब मुझे लगता है कि आइलैंड आने वाला है, तो हम भी सक्रिय हो गए हैं दिखाने के लिए। पीछे आप मेरे देख सकते हो यार, भाई लोग हैं और ये सी ईगल्स हैं जिनको कि दाना पानी दिया जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये है वो आइलैंड जहाँ पे हम जाने वाले हैं, जहाँ पे एलिफेंटा गुफा है। तो गाइस, ये जो सेतु आपको अगर दिख रही है ना यहाँ पे, ये है अटल सेतु जिसका उद्घाटन अभी अभी मोदी जी ने किया था। तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे एलिफेंटा केव्स में। और ये देखो यार, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ से ऐसे जाना। ये भाई बोल रहे हैं कि इनको भी दिखा दो। क्या नाम हुआ आपका? दीपक भाई हैं। अच्छा, उस टिकट में 2 टिकट थे, एक जाने के लिए और एक आने के लिए, एलिफेंटा एंट्री। तो भैया हम नीचे उतर रहे हैं। तो भाई पहुंच गए आखिरकार। आंखों में चिलचिलाहट सी हो रही है, मुझे नहीं पता किस वजह से हो रही है। आप लोगों को भी हो रही है क्या आंखों में चिलचिलाहट सी? नहीं हो रही है? पानी की वजह से मुझे हो रही है यार। बिल्कुल बिल्कुल, आपका ऐसे ही ले लेते हैं ये लोग आ गए। आप ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल। बिल्कुल, आपकी वाइफ है एलिफेंट? अच्छा, होने वाली, बढ़िया। तो भाई फाइनली हम पहुंच गए MMJ Vibes, ये है चैनल का। दोस्तों, अभी जो मैं फेरी में सबके साथ पूछ रहा था ना कि आपकी आंखों में जलन हो रही है क्या, आपकी आंखों में जलन हो रही है क्या, इसके पीछे रीजन मेरे को बाद में पता चला कि समुद्र के पानी में बहुत सारा होता है नमक। जब धूप उस पर सीधी गिरती है तो वो नमक भाप बन के ऊपर उड़ता है, और आप फेरी से बहुत स्पीड से आते हो तो वो नमक भर भर के आपकी आंखों में जाता है और आपकी आंखों में होती है जलन। तो ये रीजन है भाई उस जलन होने का। सीट नहीं मिली भाई। आप लोग इससे पहले आए हो? कैसा है अंदर? बढ़िया। अच्छा, थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है चल के। चलो, चलने का तो काम ही है यार। यहाँ पे क्या है, बिना टिकट जुर्माना भरना होगा। कौन सा टिकट चाहिए यहाँ? पैसेंजर टैक्स रेट। ये क्या है, किस लिए ये? इंडिया से आइलैंड है ना, टैक्स पे कर पाता है। अच्छा सर, ये कितने रुपए देना है? 5 कितने हैं? एक ही जना। 10 रुपए? 5 नहीं, 5 आपके पास तो होगा, क्योंकि सारे लोग 5 ही दे रहे हैं, तो होना तो चाहिए। 5 रुपए 100 का नोट निकलता है। ये लो, कितनी है टिकट? 5 रुपए। अरे भाई, खतरनाक गर्मी है यार। मेरे को वहाँ से कोई कह रहा था कि आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा अच्छा खासा। मुझे लग रहा है वो यही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यार मुझे लग रहा था ज़्यादा चढ़ाई नहीं होगी, अच्छी खासी चढ़ाई है भाई। हालत ख़राब हो गई मेरी, एक तो मेरे पीठ के पीछे जो वजन है वो भी अच्छा खासा है, इसलिए मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही है।
ओ भाई, तो भाई फाइनली मैं पहुंच गया, ऐसा लग तो रहा है। अबे नहीं यार, यहाँ पे आके फिर से चेकिंग। ये क्या है? टिकट बिक्री केंद्र। अच्छा, तो भाई 5 रुपये उसका टैक्स, 260 रुपये फेरी, और यहाँ देखते कितना लगता है। कितना है भाई? फॉरनर 600, इंडियन कितना है? इंडियन 40। बहुत ऊपर है यार। वहाँ से ये अटल सेतु है, मैंने जो थोड़ी देर पहले आप लोगों को दिखाया, और वहाँ से सीढ़ियाँ चलते हुए, अरे 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 अरे, मैम गिर गई हैं यार। वहाँ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यार, मैम कहाँ से, ये दिख रहा है आपको? अगर यहाँ से दिख रहा हो तो यहाँ पे, जैसा कि मैं हर एक घूमने वाली जगह पे जाके उसकी हिस्ट्री जरूर बताने की कोशिश करता हूँ, तो चलिए आप लोग भी तैयार हो जाओ एलिफेंटा की गुफाओं की हिस्ट्री जानने के लिए। तो चलो इसकी हिस्ट्री में सबसे पहले ये जानते हैं कि इसका निर्माण कब किया गया था। तो इसका निर्माण 19 सेंचुरी से लेकर 13 सेंचुरी के बीच में सिल्हारा वंश के राजाओं द्वारा किया गया था। चलो भैया, इसके बाद ये जानते हैं कि इसका नाम साला एलिफेंटा ही क्यों पड़ा, ऊंट या घोड़ा क्यों नहीं पड़ा। देखो सिंपल सी बात यह है कि जब पुर्तगाली लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पे उनको एलिफेंट की बड़ी बड़ी, मतलब हाथियों की बड़ी बड़ी बड़े 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 मूर्तियां नजर आई, तो इस वजह से इसका नाम एलिफेंटा केव्स रखा गया है। भाई आज की डेट में वहाँ पे एलिफेंट की कोई भी मूर्ति नहीं है। उसके पीछे रीजन ये है कि 1864 पर ब्रिटिश लोगों ने इस मूर्ति को यहाँ से इंग्लैंड ले जाने का प्रयास किया, और फिर उस प्रयास में वो मूर्ति टूट गई, और आज की डेट में वो मुंबई में जीजा माता उद्यान में स्थित है ये वाली मूर्ति, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। भैया यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट मूर्ति है ना, वो भगवान शिव की ये त्रिमूर्ति है। इसका नाम त्रिमूर्ति है, मूवी देखी वो त्रिमूर्ति वाली, वो यहीं से चुराया गया था भाई। तो इस त्रिमूर्ति की जो लंबाई है तकरीबन 22 से 23 फीट के करीब है, और जो ऊंचाई है वो 17 फीट है। ये जो मेन गुफा है, जो गुफा नंबर 1, वहां पे स्थित है ये त्रिमूर्ति। और भैया इस त्रिमूर्ति के सामने ये जितने भी पिलर्स दिख रहे हैं, ये इनकी काउंटिंग है 26 पिलर है, रॉक कटिंग पिलर भाई साहब, देख रहे हो। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे मेनली जो है शिव भगवान की मूर्तियाँ हैं, आप इस वीडियो में देख भी सकते हो। ये देखो शिवलिंग है यहाँ पे, ये शायद से अर्धनारीश्वर की मूर्ति है, और मेनली जो है शिव भगवान के जितने भी शिवलिंग हो या उनके जितने भी मूर्ति वगैरह हो, ये जैसे अंधकासुर के वध की मूर्ति है, और इसके बाद जो है अर्धनारीश्वर की वगैरह की मूर्ति बहुत है, बट मूर्तियां ना थोड़ी सी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं समय के अंतराल में कहो या कैसे भी, भूकंप की वजह से। तो चलो सिर्फ गुफा नंबर 1 ही नहीं, बाकी गुफाओं को भी देखते हैं। और इसके आगे ये जो है ये गुफा नंबर 3 है, जहाँ पे मेरा कैमरा भी घूम रहा है। इसके बाद गुफा नंबर 4 है। यार गुफा नंबर 4 देख के ना मुझे बहुत ही दया आई, क्योंकि गुफा नंबर 4 को देख के ऐसा लगता है कि जैसे इसको बनाते बनाते बीच में ही छोड़ दिया गया हो। यहाँ पे आपको अबेंडन चीज़ें दिखेंगी, मतलब जितने भी पिलर्स वगैरह हैं वो टूटे फूटे हैं, तो इस टाइप की चीज़ें दिखेंगी, तो मैं देख के दिल खुश सा नहीं हुआ, सच बताऊँ तो। तो भाई ये जो गुफा है ये सबसे लास्ट गुफा है जिसको मैं विज़िट कर रहा हूँ। इसके बाद गुफा विज़िट करने का जो ट्रिप है वो एंड हो जाएगा। थक गया हूँ यार, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ भाई। तो भाई अभी मैं यहाँ बैठा हुआ था थक हार के, तो ये भाई आए, इन्होंने बिल्कुल हालचाल पूछा। थैंक यू यार, क्या नाम है? शोएब। शोएब, और ये सर भी मिले हैं यार, राजन भाई। राजन हैदराबाद से हैं। तो भाई अभी एक भाई मेरे को मिला, वो कह रहा है कि ऊपर एक तोप भी है। जान तो बची नहीं यार तोप देखने के लिए, बट ठीक है चलेंगे देखने। तो गाइज अभी मैं गुफाएं हैं वो देख के आ चुका हूँ, और अब हम जा रहे हैं यहाँ पे तोप देखने के लिए। तोप है, तोप सुनने में आया कि बड़े बड़े तोप हैं, कि वो देखने के लिए जा रहे हैं भाई। पूरा जंगलात टाइप का है। ओ भाई चढ़ाई बड़ी जबर है भाई, चढ़ाई चढ़ने में हालत ख़राब हो रही है। एक तो मैं वहाँ इतना थक गया, उम्र हो गई भाई, उम्र हो गई। 5 किलोमीटर है। क्या क्या बोला तूने? भैया मैंने जैसे ही सुना ना कि 5 किलोमीटर, भाई साहब मेरे तो प्राण सूख गए थे, मैं सच बता रहा हूँ। बट ऑनेस्टली 5 किलोमीटर नहीं, यहाँ से 500 मीटर ही दूंगा। अगर जिसका स्वास्थ्य कमजोर है या जिसके घुटनों में दिक्कत है वो यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि तब से लेकर अब तक मैं कम से कम 6-7 किलोमीटर तो चल चुका हूँ। जिसके घुटनों में प्रॉब्लम है वो ना आए भाई यहाँ।
तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूं यहां पे तोप के पास। इस कैनन की वजह से इस पूरे हिल्स का नाम जो है कैनन हिल्स भी है, और इस कैनन को मतलब इस तोप को पुर्तगालियों द्वारा यहां पे लाया गया था। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार इतने बड़े तोप को इतने ऊपर लाया कैसे उस जमाने में। हैट्स ऑफ है भाई। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये चारों तरफ घूम सकता है, 360 कैनन है ये, और इसके नीचे एक सैनिकों के लिए शेल्टर भी है जो कि बहुत जबरदस्त है। मैं दिखाऊंगा आपको। ये नीचे क्या है? अच्छा नीचे एक और गुफा है क्या भाई? गजब भयंकर खतरनाक। ये क्या है? अरे तेरी, कुछ नहीं दिख रहा। कैसा लगा भाई तुमको तोप देख के? कुछ बोलना चाहोगे तोप के बारे में? अच्छा है। हाँ? सीरियस क्या है भाई उसमें? सीरियस है, इस तोप में सब गिटी भर दिया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, इंटरेस्ट करना चाहिए, कलर वगैरह मारना चाहिए। कलर वलर मारना चाहिए, लोग बाग आके यहाँ बोर हो जा रहे हैं। यार देख रहे हैं फटा उठा हो रहा है, इसको ध्यान देना चाहिए क्योंकि इतना पैसा ले रहे हैं। सही बात, सही, मेंटेनेंस नहीं है। ये पॉइंट तो सही कहा आपने। नाम बताएं? हाँ साजन। अरे नाम भी बड़ा क्लासिक है यार तुम्हारा तो। यार ये साजन भाई है यार, इनका लुक देखो कितना प्यारा है, मेरे को तो बहुत सही लगे। कहाँ काम करते थे? शूटिंग वूटिंग में। अच्छा तुम एक्टर वैक्टर हो क्या? नहीं सर। तो अच्छा बढ़िया है, आवाज भी अच्छी लग रही है यार तुम्हारी, बोलते नाइस। आप चढ़ गए ना एक बार? कौन, मोदी जी? जरूर बना देंगे। अच्छा पक्का? सर कह रहे हैं कि एक बार मोदी जी यहाँ चढ़ गए तो पक्का ये बना देंगे, कुछ ना कुछ जरूर कर देंगे। बढ़िया। तो गाइस फाइनली मैं ऊपर से जो तोप है वो भी देख के आ चुका हूँ, और केव वगैरह भी निपटा दिए। अभी यार थोड़ा पेट पूजा करनी है क्योंकि भूख लग गई है, और बहुत ज़्यादा थकान हो गई है यार सच में। चलो तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे, देखते हैं मुंबई को नापते हैं यार थोड़ा सा।